वाड़ी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वाड़ी थाना क्षेत्र के दो गोदामों से कुछ सामान चोरी हो गया है। वाड़ी पुलिस ने घटना का खुलासा किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाड़ी थाने में दर्ज अपराध 281/2022 धारा 380-34 के आरोपित योगेश श्याम राव जी प्लॉट नंबर 59 रामकृष्ण नगर न्यू मंगलधाम सोसाइटी रामकृष्ण हॉल के पास राकेश उर्फ सद्दाम लल्लू प्रसाद मिश्रा उम्र 45 वर्ष निवासी प्लॉट नंबर 28 महादेव नगर मदीना चिकन सेंटर के पीछे गजानन उर्फ गजू चिंधू जी भंडारकर उम्र 33 साल प्लॉट नंबर 155 निर्मल हाउसिंग सोसाइटी खरगांव रोड लावा आतिश उर्फ साहिब राव किसान करीब 29 साल प्लॉट नंबर 119 हरिओम सोसाइटी दत्तवाड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को मिली जानकारी के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी द्वारा की गई जांच में पुलिस स्टेशन वाड़ी क्षेत्र में दो गोदामों की चोरी और दो वाहनों की चोरी सहित कुल चार चोरी का खुलासा हुआ है। 1,35,500 जल शोधन लोहा एवं फाइबर मशीनरी के पुर्जे अभियुक्त से 460 रुपए नगद मोटरसाइकिल नंबर H31AE9330 किलोग्राम 15,000 मोटरसाइकिल नंबर H31HT4625 किलोग्राम 60,000 चोरी की संपत्ति और अपराध में प्रयुक्त हीरो पैशन प्रो नंबर MH40AV2556 किलोमीटर 40,000 होंडा डिलक्स नंबर MH40BP1557 किलोमीटर कुल 2,90,960 रुपए मूल के 40,000 रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त अश्विनी दोर्जे, उच्च पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी, ACP प्रवीण तेजाले, PI प्रदीप राय निवार और अपराध PI विनोद गोडबोले के मार्गदर्शन में API ज्ञानेश्वर धवले, पुलिस हवलदार प्रमोद गिरी, नायब पुलिस सिपाही प्रवीण फालके, नायब पुलिस सिपाही उदय प्रकाश त्रिपाठी, नायब पुलिस सिपाही हेमराज जिचकर, पुलिस सिपाही दिलीप आड़े, पुलिस सिपाही स्वप्निल खोड़के ने अपराध का पर्दाफाश करने के लिए अथक प्रयास किया है। वाड़ी से NBCN न्यूज़ के लिए सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।